वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रवा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्वकायेषु सर्वदा। माय फर्स्ट गणपति द किंग ऑफ मंगल मूर्ति। आई हैव हर्ड अबाउट माटी गणपति एंड एवर सिंस आई वॉज इंट्रूज्ड बाय द कंसेप्ट देयर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ आइडॉल्स कमिंग थ्रू आउट द ईयर बट गणेशा हैज इट्स ओन चार्म। It's a pride to catch a glimpse when Bappa arrives or departs. आज हम चलते हैं हदम सर के एक वर्कशॉप में जहां हम देखेंगे कैसे बनती है मिट्टी की गणेश की मूर्ति। तो चलिए चलते हैं। So let's meet Amol Khaire. Namaste Amol ji. Namaste. ये जो गणेश की मूर्तियाँ बनाने की प्रथा चली आ रही है इतनी बड़ी मूर्तियाँ इतने बड़े पंडाल इससे बढ़ के आपने जो कुछ अलग से सोचा है इसके बारे में आप हमें बताइए। जरूर। देखिए ये जो गणेश चतुर्थी आ जाती है तभी सबसे पहली बात तो ये है कि है ना जब पुणे में स्टार्ट हुआ था बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने स्टार्ट किया था तो तभी सब मिट्टी के ही मूर्ति बनते थे पर बाद में लोगों ने उसे पीओपी में कन्वर्ट किया। अच्छा। और ये पीओपी के अभी जो बन रहे हैं तो ये है ना नेचर के लिए काफ़ी हानिकारक रहता है। ये पानी में जब विसर्जित करते हैं तो काफ़ी महीनों तक वैसे ही मूर्ति पड़ी रहती है घुलती नहीं है बस उसी को मैंने वापिस रिपीट मिट्टी में बनवाने का शुरू किया। तब से आपने सोचा हाँ, कि माटी के ये मूर्तियों हाँ, को मूर्ति बनाना है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं नेचर को बचाने की बात करते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमोल जी की सोच काफी बड़ी है। तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीखेंगे कि कैसे मूर्तियाँ बनाई जाती है और मैं भी बनाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस फॉलो पुणे शोर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।